दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। एनबीसी न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। टीवी एक्टर कुशाल पंजाबी के प्रेयर मीट में फैमिली और फ्रेंड्स हुए शामिल। कुशाल के लिए दुआ मांगने फैमिली के मेंबर्स पहुंचे थे, वहीं उनके कुछ फ्रेंड्स भी इस प्रेयर मीट पे शामिल होने पहुंचे। कुशाल के दोस्त जैसे अपूर्वा अग्निहोत्री और शिल्पा वापिस, आमिर अली, करणवीर बोहरा, निवेदिता बासु, कविता कौशिक, हुसैन खुवाजेवाला, चेतन हंसराज और कई सेलिब्रिटीज नजर आए। खुशाल जिन्होंने अपनी अच्छाई की छाप जहां हर किसी के दिल में छोड़ी हुई थी, वहीं उनके इस आखिरी सफर के बाद भी उनके दोस्त और फैमिली उनके साथ है। एक्टर सनी सिंह और सोनाली सहगल आज लेट पुवाई बॉम्बे में अपनी फिल्म जय मम्मी का प्रमोशन करने पहुंचे। दोनों ने ऑडियंस को अपनी फिल्म के बारे में बताया और बहुत सारी मस्तियां भी की। जय मम्मी फिल्म नवजोत गुलाटी द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फिल्म में सनी और सोनाली अपने अपने मम्मी को समझाते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों के मम्मियों की नोकझोंक इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। फिल्म 17 जनवरी 2020 में रिलीज होने वाली है। मीडिया से बात करते हुए सनी सिंह और सोनाली सहगल ने बताया कि उनको यहां पर आकर बहुत खुशी हुई है। इस मौके पर उन्होंने अपने कुछ मेमोरीज को भी शेयर किया, न्यू ईयर के प्लान के बारे में बात की और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बताए। साथ ही ऑडियंस को न्यू ईयर का विश भी किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज आई थिंक हमें शूट करने के टाइम भी बहुत मज़ा आया था, एंड नाउ वी आर रियली एक्साइटेड कि देखो सब लोग जाके लाइक सी आवर फिल्म एंड इट्स अ फील गुड फिल्म। सो यू नो वी रियली कनेक्टेड विद द मूवी। मूवी भी नॉर्थ साइड बेस्ड है और ये चीज़ें आपने आसपास देखी है, प्लस द सॉन्ग्स आर रियली गुड एंड पीपल आर लविंग इट एंड एवरीबॉडी रियली लाइक लैम्बोर्गिनी मम्मी नो पसंद नहीं, दैट इज अ पंजाबी सॉन्ग रिप्राइज वर्जन, सो इट्स ऑल गुड। बट ये होपफुली यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो बहुत ही प्यार दिया है, उजड़ा चमन में भी प्यार दिया है, प्यार का पंचनामा में दिया है, सोनू के टीटू में दिया है, बस अब और सारा प्यार चाहिए, वो जल्दी से आके दे दो। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, सुप्रिया मैम और पूनम जी, सो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। बट बाकी काफ़ी चीज़ें हैं पिक्चर में जो आपको 17 जैन को देखने मिलेगी। गाइज हैप्पी न्यू ईयर, सो यू नो आवर फिल्म इज कमिंग ऑन 17 जैन, जय मम्मी दी, सो डू वॉच इट एंड गिव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हैव अ सुपर सुपर हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस 2020 एंड सेफ न्यू। हर साल की तरह इस साल भी टाइफा अवार्ड 2019 देखने को मिला, जहां इस शाम को खूबसूरत बनाने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आए नजर। टेलीविजन और बॉलीवुड की दो मशहूर माँ इशी माँ और गीता माँ आज इस अवार्ड शो में मौजूद हुई थी, जहां उन्हें अवार्ड के साथ सराहा गया। इतना ही नहीं, दोनों ने अपने 2019 की पल हमारे साथ शेयर किए और 2020 से अपने एक्सपेक्टेशन जाहिर की। इतना ही नहीं, दिव्यांका ने खुशाल पंजाबी के इंसिडेंट पे भी अपना दुख जाहिर किया। जन्नत जुबैर जो आजकल सोशल मीडिया में छा रही है, वही उन्हें भी अवार्ड मिला और उन्होंने हमारे साथ अपनी खुशी जाहिर की। इतना ही नहीं, टेलीविजन के मशहूर माँ बेटी अक्षरा और नायरा आज फिर से टाइफा अवार्ड के जरिए एक साथ मिले। जी हाँ, हिना खान और शिवांगी जोशी एक साथ गले लगते हुए दिखे और दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला। अब जहाँ नायरा हो वहाँ कार्तिक नहीं हो, ये कैसा हो सकता है। नायरा यानी शिवांगी को अवार्ड मिलते ही कार्तिक यानी मोहसिन खान आए और उन्हें भी बेस्ट एक्टर के खिताब से सराहा गया। और इसके अलावा मोहसिन ने खुशाल पंजाबी के न्यूज के इंसिडेंट पे अपना दुख जाहिर किया। मुझे अवार्ड शोज खास करके इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ लोगों से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि अदरवाइज हम लोग जब काम करते रहते हैं तो हम लोगों से नहीं मिल पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते। आई जस्ट मेट हिना फॉर एग्जाम्पल, सो या इट्स प्लेजर कमिंग फॉर सच अवार्ड शोज एंड मीटिंग पीपल। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। I would like to thank them. Thank you so much for the honor. And अच्छा लगता है, as I always say, जब आपके काम को appreciate किया जाता है. And I thank the TIIFA awards. And at the same time, I think we all should make an effort and you know thank the organizers जो हर साल ये award organize करते हैं,
they bring all the talent together under one roof and from different walks of life and felicitate them, award them and give them their due credit. So I thank you. Happy New Year to all of you. Naye saal ka, 2019 ka shayad ye aakhri award hai. In fact, I'm sure aakhri award hai. So achhi, you know, achha ek ant hua hai 2019 ka, khushiyon ke saath, and I am looking forward to welcome 2020. And I'm very happy that I have received this award. I think year ke end mein, if there's a trophy in your hand, I think it's the best way to end the year. And it's all because of all of you, for your unconditional, you know, love and support. And thank you so much. Very, very happy New Year to all of you. Thank you. A new decade is going to start. Sirf ek naya saal nahi, ek naya decade shuru hone ja raha hai. Aur 2010s has been beautiful for the entire film fraternity, and inshallah 2020s bhi waise hi jaye. Aur big shows coming up, big twists coming up in our show. So all the very best for television and films alike, and may 2020 be great for everyone. Yaar, happy TIIFA, Shamim bhai, unse judi hui puri team ko dheron shubhkamnaye, badhai, wishing for more and more success to the award and everybody involved with it. Thank you very much. बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही. कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ. अर्पिता.